फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए आलू टिकिया चाट की रेसिपी लेके आई हूं, जिसे बनाना बहुत इजी है पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये येलो कलर के मटर लिए हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैंने इन्हें रात भर पानी में भिगो के रखा है और 3 से 4 बार मैंने इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। दूसरी तरफ टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। तो मैंने 10 से 11 उबले हुए आलू ले लिए और इनके छिलके उतार लिए हैं। हम मटर के छोले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसके गर्म होने पे मैंने 2 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 बड़ी इलायची डाली है, थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे हम इसमें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें हम हल्का भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये भी भून जाए तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लिया है और उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से भूनने के बाद हमने जो मटर को फुलाकर रखा था इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि मटर इसमें अच्छे से डूब जाए, बस इतना ही पानी डालना है। अब सीटी लगाएंगे तब तक जब तक कि मटर हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। अब दूसरे साइड पे आलूओं में हम डालने वाले हैं, ये देखिए मैंने हरा धनिया काट के डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर है, ये इसे भी डाल देंगे। अब ये मैंने काला नमक डाला है और ये मैंने डाला है मिक्स्ड हर्ब। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ। अब ये मैंने लिया है चावल का आटा। तो आपको यहाँ पे चावल का आटा डालना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल का आटा और भी डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब ये देखिए अच्छे से इस तरह का डो रेडी करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम इसे अच्छे से इस तरह से हम बिल्कुल इसे बना लेंगे, जिससे कि हमारे हाथों में ना चिपके। अब हम इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। इस चावल का आटा डालने से जो हमारी आलू की टिकिया है वो बहुत ही अच्छी बनती है और चिपकती भी बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी टिकिया भी बना करके तैयार कर लेंगे। सारी टिकिया हम इसी तरह से बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, पैन में हम तेल गरम करेंगे। तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। ये देखिए टिकिया डालने पर आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद इस तरह से आप इसे पलट पलट करके अच्छे से आप इसकी टिकिया बना लें तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आई है टिकिया में। टिकिया को निकाल लेते हैं और अब बनाते हैं टिकिया चाट। तो सबसे पहले हमने टिकिया लिया है, इसके ऊपर हमने जो छोले बनाकर रखे थे उसे हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दही, इमली की चटनी और भी बाकी चीजें जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा जो साइड पे होता है। अगर आप उसे नहीं दबाएंगे तो आप मेरे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेंगे और आप मेरे वीडियोज को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जरूर आप उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।